हमारे यूट्यूब चैनल अपना संबल फिल्मी को सब्सक्राइब कीजिए और उसके नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए और फिर बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद। काशी बनारस से ब्राह्मण पंडित लोग आए थे। जब तो काशी से कम भगवान थे, अब तो बहुत हो गया। अब तो सीतन बाबा कितने साल एज में, कितने साल एज में, कितने साल तक रहे जीवित? वो कैसे साल तक जीवित रहे ना? यहाँ से निकलने के बाद तो वो एक आध साल भी नहीं थे। बाबा जी इस मंदिर से निकले ना बेटा, एक आध साल भी नहीं थे। हाँ, उधर एक उनकी बुढ़िया है, उधर गली में, कुमार गली में, सुनो तो उधर रहे। उधर एक मंदिर का और निर्माण कराया। अच्छा, कौन सा? वो जैसे कुमारों में जो वही तो रहे। हाँ, वो एक मंदिर और किसी बुढ़िया ने अपने घर का दिया था। बनवा का राम दुलारी का घर था, उसका मंदिर बनाया। उन्होंने घर राम दुलारी का था, वो मंदिर बन गया। सीताराम राम दुलारी वाला कौन सा मंदिर? वो मंदिर किसी का है बेटा, कुमार गली जो है ना, कौन सा नाम तो होगा उसका? राम दुलारी नाम है, राम दुलारी मंदिर का नाम बताओ बाबा। कुमार गली में कौन सी, कोई जान पहचान तो बताओ। बेटा जरा सा इधर के हाथ को पड़ेगा, जैसे घुसोगे ना इधर के हाथ को मंदिर पड़ेगा बेटा छोटा सा। उन्हें सीताराम बाबा ने वो भी मंदिर बनवाया था। मंदिर उन्हें बनवाओ सीताराम बाबा ने उसका। मंदिर नहीं चला। उनका नाम क्या था? उनके नाम के बारे में तो मुझे बाबा दाढ़ी थी उनका, तुमने देखा होगा। अरे पंडित जी, हम तो बहुत कम आते थे यहाँ पे। कहाँ निकले हमारे बिना निकलने थे? कहाँ हमारे ऐसे कहा ऐसा क्या है? ऐसी जमान चला हमें कोई मंदिर क्या कहो? और कौन सी तीर्थ सुना है? किसी कर्मों की रेखा है बस इसमें इसमें पार लगाएगा। उन्होंने बिगड़वाया है हमारे कर्मों से, संभाल भी देगा। बस ये धीरज ना रहा है जी है, संतोषी माता ने बहुत यहाँ पर कृपा की है कई आदमियों के लिए। उन पर ऐसी कृपा हुई निसंतानों को, मेरे पे कब कृपा होगी? संतानों को संतान मिली, कृपा क्यों ना हुई? तभी तो मंदिर ये स्थापना हुई। तो उस पर कृपा हुई तो उसने उस कृपा में मंदिर बनवाया है। माता संतोषी सबको देती है, जो उन्हें भाव से भरता है वो उनके लिए वो भाव से भरती है। हम इन्हें समझाते हमारे सेवा मान लो हम बस और कितनी देर देने कुछ हो गया।